ये है यहाँ का मेन गेट और यहाँ पे ये है बहुत सारी बैनर पे सारी एक्टिविटीज मेंशन कर रखी है आपको जो करना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो है संडे है, वीकेंड है, तो आज कहीं सोच रहे थे कि कहीं जाया जाए, तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग पर, ज़्यादा नहीं। इन्होंने और राहुल भैया ने सोचा है, तो बस हम लोग जा रहे हैं। आज का व्लॉग में नहीं ये शुरू करेंगे, तो ये बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो हेलो व्यूअर्स, हम जा रहे हैं आज माधवगढ़ रिजॉर्ट जो है अरावली हिल्स फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं करने को और एक देसी खाना मिलता है। जैसे हम चूल्हे पे पुराने टाइम पे खाते थे घर के अंदर, वैसे ही खाना मिलता है। बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं, और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर करने के लिए। तो इसलिए हम गए तो नहीं है, लेकिन हमने यूट्यूब पर सारी चीज़ें सर्च कर ली हैं, वो कैसा है कैसा नहीं, वहाँ का फीडबैक भी हमने काफ़ी अच्छा सुना है। तो बाकी मेरे नेबर जा चुके हैं, शायद उन्होंने बताया था कि नहीं अच्छा है बच्चों के लिए। और हमें थोड़ा सा ना बहुत टाइम से हमने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, एडवेंचर बता रहे हैं, एडवेंचर्स हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, तो वो देखते हैं करते हैं और मज़ा आएगा। अब ये पहन रहे हैं शूज़ सब। मैं कितनी देर की रेडी हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय लगाते हैं हमारे घर में यही लगाते हैं, तो कितना टाइम हो गया, लेकिन ये रेडी नहीं हो पाए। यहाँ चीकू भी रेडी हो गया, इसका चश्मा देखो, ओ माय गॉड कितना प्यारा सा चश्मा लगा, कितना सही से लगाओ, ठीक करो, हाँ कैप भी लगा लो बेटू, कैप भी लगा लो, लगा लो, ठंडी हो रही है, आ जाएगी लगा के तो देखो, आपको कैसे पता नहीं आएगी, चलो फिर आओ, चलो हेलो बोलो पहले सबको, बाय बोलो, बाय, यहाँ भी मिलता हूँ। मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ हम लोग हो गए हैं सारे के सारे रेडी। ये यहाँ सुधीरी, ये है हमारी कुन्नू, ये है लियान, आगे भैया, सारे पति देव, सारे के पति। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं, बैठ जाओ। आज की ट्रिप हमारी छोटी सी है ना, और ना जा रहे हैं, जाओगा वो नहीं जा रहे हम लोग, गुड़गांव, मतलब गुड़गांव में हम एंटर कर चुके हैं, तो ये गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ गुड़गांव में, मैं नहीं आई क्योंकि मेरा ज़्यादा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब काम ही नहीं पड़ता, और आज हम बस इधर निकले थे तो इसलिए आ गए। आप सब कैसे हो? मैं घूमने जा रही हूँ, बाय बाय, अब मैं पार्क में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बस हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर, और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, बिकॉज आज अ संडे और संडे को रहता है बहुत ज़्यादा रश जहाँ जाओ वहाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे भैया गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो बस लास्ट 5 मिनट और हम जाने वाले हैं अंदर, और दिखाती हूँ कैसा है यहाँ का माधवगढ़ पार्क।
आइए। सो हम पहुंच चुके हैं माधवगढ़। ये है मेन गेट यहाँ का। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है यहाँ का मेन गेट और यहाँ पे ये हैं बहुत सारी बैनर पे सारी एक्टिविटीज़ मेंशन कर रखी है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ये है यहाँ का, यहाँ हो रही है हमारी एंट्री। भैया स्लिप बना रहे हैं, भैया यहाँ पर हम लोगों की एंट्री फीस दे रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स यहाँ पे सब कुछ मिलेगा हमें, हमारा पूरा दिन का यही तरह। हाँ चीज़ें थी, ये टेलीफोन जो पुराने टाइम में चलता था। देखिए एक यहाँ पे छोटी सी कार है। सब लोगों ने एक एक करके हाइट कराई अपनी इनकी एक साथ होगी आपकी। यहाँ पे मैंने अपनी हाइट कराई, देखो मेरी कितनी हाइट है। 5'2" 5'3" पे आ रही है, 5'2" पे आ रही है वैसे तो। हाँ मैं इतना ही है मेरा। फिर हम लोगों की हुई एंट्री, तो यहाँ पे बैंड बांधे जा रहे थे। अंकल बैंड यहाँ हम जा रहे हैं अंदर। ये बहुत ही खुले एरिया में है एकदम, और देखो मैं पीछे बैग भी लेकर आई हूँ। कहीं साइड में रहो, उधर आओ, हैंड पकड़ो मेरा। ओ बच्चे देखो कितना अभी से ही एंजॉय करने में शुरू हो चुके हैं। चीकू तो हमारा सोया हुआ है अभी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। और यहाँ भैया पता नहीं कहाँ बिजी हैं, और ये चीकू को एक्टिव करने में बिजी। चीकू आओ बेटा, अच्छा लग रहा है, आओ। ओहो हैंड पकड़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। चीकू आराम से, कनी वेट, चीकू के साथ चलो। तो हमारा खाने पीने का यहीं से शुरू हो चुका था, तो यहाँ है वेलकम टू ड्रिंक। तो अभी हम लेमन टी छाछ जो आपको पीना है वो पी सकते हैं। तो यहाँ मैं चलूँ। चीकू आप क्या भी हो गए? पापा चाहिए, पापा भी आ रहे हैं। ठीक लो अंदर एक्टिविटीज करने से पहले एनर्जी ड्रिंक ले लो अपनी, है ना। ये तो हमारा खून पीने वाले बहुत हैप्पी थे। लो देखो रायता आपको पसंद है ना। यहाँ से हो रही है हम लोगों की एंट्री, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज एरिया है पूरा। ये अंदर आ चुके हैं, कितने प्यारे कर रहे हैं। पकड़ लेना इसको, तो यहाँ हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो हमें लग रही है हम पैसे क्या क्या है यहाँ खाने में, पनीर है, कढ़ी है, छोले है, चाउमीन है, काफी सारे खीर खीर है। टेस्ट कैसा है भैया का? बहुत अच्छा है। खाना है ना गाइस, तो एकदम देसी स्टाइल में मिल रहा है यहाँ पे, अपने हाथों से चूल्हे पर रोटियाँ पकाई जा रही है। कोई भी मतलब, और सारी लेडीज ही अपने हाथों से देसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमारे गांव में बनाया करती थी, बिल्कुल वैसे ही रोटियाँ बनाई जा रही है। तो मैं भी आपको ले चलूँगी और दिखाऊंगी कि यहाँ का किचन में किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है। कितने सारे यहाँ की डाइनिंग भी बिल्कुल देसी तरीके की डाइनिंग है, घूढ़े पर और टेबल पर खाना खिलाया जा रहा है। ये है यहाँ की रसोई, देखिए कितने अच्छे से चूल्हे पर देसी तरीके से खाना बन रहा है, बहुत ही।
सब अपने हाथों से खाना बनाते हैं यहाँ पे। तो इनका था चाय पीने का मन, तो ये आ गए हैं यहाँ चाय पीने के लिए। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, तो मुझे दिख ही नहीं रहे। तो यहाँ के खाने में जो मेन्यू था लंच में, इतना अच्छा था, बढ़िया एकदम। कढ़ी पकौड़ा और ये पालक पनीर, शाही पनीर और दाल थी, मतलब काफ़ी टेस्टी था सब कुछ। और यहाँ पे नूडल्स भी था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नूडल्स खाना पसंद करते हैं, और यहाँ पकौड़े भी थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ मेरी मनपसंद खीर भी बनी थी, और यहाँ लहसुन की चटनी, गुड़ और रोटी में ऊपर से लगाने के लिए मक्खन, बिल्कुल हाथ का चला हुआ घर का मक्खन, और था देसी घी। और रोटियों में था यहाँ पर मक्के की रोटी और सादा रोटी, जो भी आपको नान वगैरह खानी है। तो बहुत ही अच्छा मेन्यू था खाने का, और आप जितना मर्जी वहाँ खा सकते थे, कुछ भी खाने की ऐसी लिमिट नहीं थी कि नहीं आपको इतना ही लेना है, दो रोटी लेनी है, तीन रोटी लेनी है, जितना आपको खा सकते हो, जितना आपके पेट में जगह है उतना आप लीजिए, भरपूर पेट भर के। और मज़े से हमने खूब यहाँ पर खाना खाया। तो देखिए गाइस, मेरी रोटी पे कितना भरपूर बटर है जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे तो मक्के की रोटी बहुत पसंद है। तो मैंने तो खाई जी भर के मज़े से, मैंने वहाँ पे कोई राइस वाइज या ऐसी चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि यहाँ जो देसी चीज़ें थी वो मैंने खूब खाई, मतलब अच्छा लगा, टेस्टी लगा। जो सारे लोगों को पसंद होता है वही यहाँ पर फूड में था, तो मज़ा आया गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे 1 से 3 बजे तक का लंच था, और इसी में रेस्ट था। तो फिर यहाँ पे हमने किया खूब रेस्ट, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे खूब चारपाइयों का बंदोबस्त था। कैसे मज़े से अपना लोड मार रहे सारे के सारे। सो गाइज़ यहाँ पे लंच रेस्ट दोनों होने के बाद 3 बजे के बाद शुरू होने जा रही थी एक्टिविटीज़। तो अब लोग एक्टिविटीज़ एरिया में जा रहे हैं, और अपनी जो चीज़ें रह गई थी वो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए गाइस देखिए, अब हम आ चुके हैं एक्टिविटीज में, बास्केटबॉल, हॉकी, डार्ट, बॉल, यहाँ पे बुल वाली एक्टिविटी करने के बाद फिर आई बच्चों की बारी। तो बच्चों ने भी खूब की मस्ती। गैस मैं तो ऐसी धड़ाम से गिरी कि मेरी तो पैर की नसी चढ़ गई थी। एक पल को तो लगा मैं दोबारा से इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं फिर से ठीक हो चुकी थी। और फिर से देखो मैंने अपने सारे गेम्स कंटिन्यू किए, यहाँ बास्केटबॉल या जो भी फुटबॉल है वो भी हुआ, और मैंने यहाँ पे तीर भी चलाया। धनुषधारी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा तीर चला के देखा तो मुझे मज़ा आया। पहले इन्होंने किया फिर मैंने किया। ये है जिप लाइन वाली एक्टिविटी, देखिए सारे लोग जिप लाइन पर जा रहे हैं। तो आप रोप के थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे। आप कैसे जाओगे? मैं भी सुनूँ दीदी का कौन। तो गाइज़ यहाँ ज़िपलाइन करने के लिए हम लोग पहुँच चुके थे, अपनी जो बेल्ट होती है, हार्नेस जिसे बोलते हैं, वो लगवाने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से हमें यहाँ आना था बेल्ट लगवाने के लिए, तो सबसे पहले लगाई इनके बाद फिर आया मेरा नंबर। तो यहाँ मैंने भी अपनी बेल्ट लगवाई, फिर हमने सो गाइस यहाँ पर सबकी एक एक करके जिप लाइन हुई। तो देखिए बने रही और देखिए सबकी मस्ती। सबसे पहले की राहुल भैया ने,
यहाँ एक के बाद एक सबने ज़िपलाइन करी, फिर उसके बाद आई मेरी बारी और मैंने एक बार नहीं दो दो बार ज़िपलाइन करी गाइस, देखिए। सो गाइज यहाँ पर बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा इन्जॉय करने के बाद अब आई हमारी चाय की बारी। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो जैसा कि आप सबको पता था सुबह से ब्रेकफास्ट लंच एंड शाम का स्नैक सब कुछ यहीं था। तो यहाँ पे टी टाइम था, टी टाइम में बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। यहाँ पे जलेबी थी, दही बड़े थे, फ्रेंच फ्राइज थी, पकौड़े थे, गोलगप्पे थे और भी एक दो चीज़ें थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा गाइज हमें। तो वैसे लेके शाम तक यहाँ पे आपको एक बार पे करना होता है और बस खाते जाओ, घूमते जाओ, इन्जॉय करते जाओ, मस्ती करते जाओ। तो हमारा ये बहुत बहुत अच्छा डे रहा आज का। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी और सारे लोग जो हैं यहाँ पर बैठ के अपना टी टाइम इन्जॉय कर रहे हैं। वो कह रहे थक गए, आप कह रहे थक गए, क्या से पूछो रात 12 बजे आते हो? नहीं मैं अभी तो, अगर मैं अभी जो सोचो थक गए तो मैं रात को 12 बजे तो लेट जाऊंगा बिल्कुल। दूसरा पहनने दूसरे आ जाओ, चलो गाड़ी में रखा हुआ ना, गाड़ी में से पहनाएंगे, ठीक है? आप रो नहीं बेटा ऐसे जोर जोर से। हाँ चलो। हाँ जो है चीकू रो रहा था, इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके लोअर पे जो फैल गई थी चाय, तो इसलिए वो थोड़ा सा रो रहा था। तो यहाँ आगे आते आते यहाँ पर हो रहा था डांस, यहाँ ढोल पर डांस हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमसे छूट गई थी, जैसे मेहंदी की और बर्तन बनाने की और ड्रेस पहन के अपना फ़ोटो वोटो क्लिक कराने की, वो सब छूट गई थी। तो ये हो रही थी तो फिर मैंने भी किया डांस यहाँ पर, देखिए। सारा कुछ घूम लिया है, काफ़ी मज़ा आया हमें, सारी एक्टिविटीज़ की, खाना खाया, अच्छा अच्छा बहुत मज़ा आया। लेकिन हमें चीकू ने इतना परेशान किया क्योंकि जब उसे कोई चीज़ करनी होती है तो करनी होती है। हमें कनी ने भी काफ़ी परेशान किया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो परेशान करेंगे ही। और बाकी अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अभी जा, जाओ ले लो, जाओ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, चलो 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 चलो। कैसा लगा सबको? मजा आए, मजा आया। लियान कनी क्या चाहिए बेटा? सारे लोग बताओ, माधवगढ़ फार्म्स की जो ट्रिप थी आज वो हमारी कंप्लीट हो गई है और हम सभी लोग अब जा रहे हैं घर। आप ये देख सकते हैं माधवगढ़ फार्म्स और एक ट्रिप हो गई है कंप्लीट और अब जा रहे हैं सीधे घर। सभी लोग बहुत थक चुके हैं, बच्चे बहुत थक गए और बहुत मजा आया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड द ट्रिप वाज अमेजिंग आई वुड से। यस थैंक यू गाइस। और सभी लोग, ये चीकू हमारा देखो, सभी लोग बहुत थक चुके हैं। तो इस व्लॉग को आज यही कंप्लीट करते हैं और पहुंचते हैं अपने घर, करते हैं थोड़ा सा आराम। बाय। सो गाइज मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नए व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन प्लीज़ क्लिक कर दें। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट नए व्लॉग में।
नई चीज़ों के साथ।